नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आइए आज हम लोग कक्षा 6 का गणित पढ़ते हैं। कक्षा 6 का गणित में तीसरा अध्याय है पूर्णांक, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। तो इसमें हम लोग प्रश्नावली 3.1 इसका शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांकों को पहचानिए। धनात्मक मतलब प्लस साइन के साथ जो होता है और ऋणात्मक मतलब माइनस साइन के साथ होता है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पूर्णांक कहते किसको हैं हम लोग, तो याद कर लीजिएगा एक बार। हम पहले ऐसे ही बता देते हैं, ये जीरो है, इसके दाहिनी ओर प्लस और बाईं ओर माइनस, इधर चलता है प्लस और इधर चलता है माइनस, ठीक है। और ये नंबर होता है 1, 2, 3, 4, ऐसे चलेगा। इधर चलता है -1, -2, -3। तो बस इतना ही याद रखना हम लोग को। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि धनात्मक संख्या को चुनिए और ऋणात्मक संख्या को चुनिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन ए करते हैं। देखिए पहले हम लोग यहां लिखते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक इसी को चुनेंगे हम लोग। तो यहां देखेंगे हम लोग 4 + 2, 4 + 2, ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए कि यह नंबर देख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, ये बटा में है ना, तो ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद बचा मेरे पास ऋणात्मक पूर्णांक भी बोला है, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, जिसमें माइनस का साइन, जिस अंक के आगे माइनस का साइन लगा होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो हम लोग यहां पर देखते हैं, ये तो है ही नहीं, ये है ही नहीं, ये बचा मेरे पास, तो हम लोग यहां पे लिखते हैं -5, ठीक हो गया। और जीरो, जीरो जो की है वो न तो धनात्मक है और न तो ऋणात्मक है, तो हम लोग लिखते हैं जीरो न तो धनात्मक पूर्णांक न तो धनात्मक पूर्णांक है और न तो ऋणात्मक पूर्णांक, हो गया। हम लोग यहां पर देखें, ये प्लस, बस दो है धनात्मक और एक है ऋणात्मक, और जीरो जो है न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक पूर्णांक है। अब हम लोग इसका बी को देखते हैं। तो यदि बी को देखेंगे हम लोग, तो यहां पे भी हम लोग ना जो प्लस संख्या है उसको चुन लेंगे। किसी भी संख्या के आगे यदि प्लस का साइन नहीं है तब भी वह धनात्मक संख्या ही है, लेकिन ऋणात्मक संख्या होने के लिए उसके आगे माइनस का साइन होना अनिवार्य है। तो हम लोग यहां पर ऐसे लिख देते हैं बी धनात्मक पूर्णांक। तो ये वाले क्वेश्चन में हम लोग देखें -11, 51, 4.5, 5/6, -7, और यहां पर कुछ ऊपर में होगा अंश के जगह पे, तो ये तो पूर्णांक है नहीं, पूर्णांक बचा ये सॉरी ये भी नहीं है, और ये देखिएगा ये 4.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो मेरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया, सिर्फ 51, और ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन सा है, -11 और -7, हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित के विपरीत लिखिए, जो नीचे जो लिखा हुआ है उसका हम लोग को विपरीत लिखना है, मतलब अपोजिट। 10 किलोग्राम भार में वृद्धि का मतलब होता है अधिक, तो क्या होगा, अधिक का उल्टा कमी, विपरीत होगा कमी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 किलोग्राम, इसको लिखेंगे हम लोग 10 किलोग्राम भार में कमी,
ये हो गया आंसर। पश्चिम की ओर जाना इसको क्या लिखेंगे, देखिए ऐसे होता है ना, ये ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो नॉर्थ का अपोजिट उत्तर का अपोजिट दक्षिण, पूरब का अपोजिट पश्चिम, तो पश्चिम का अपोजिट पूरब। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं इसको, पश्चिम का अपोजिट हो गया हम लोग का पूर्व या पूरब। पूरब की ओर जाना, माइनस 80, इसका क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस 80। समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो 100 मीटर नीचे कर देंगे या गहराई करेंगे हम लोग इसको, लिखते हैं इसको समुद्र तल से 100 मीटर नीचे भी कर सकते हैं और गहराई भी कर सकते हैं। हम लोग यहां पे नीचे या हम लोग गहराई भी लिख देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है। 500 रुपया की हानि, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 500 रुपया का लाभ, रुपया 500 का लाभ हो गया। जस्ट उल्टा लिखना है, जो वृद्धि है वो कमी, पश्चिम है सो पूरब, माइनस 80 है तो प्लस 80, और समुद्र तल से ऊपर तो नीचे, 500 रुपया की हानि तो लाभ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में प्रयुक्त संख्याओं को उचित चिन्ह प्लस या माइनस, मतलब धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। जैसे यहां पर इसका ए देखिएगा, एक हवाई जहाज भूमि से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, भूमि से 2500 मीटर ऊंचाई पर। ऊंचाई पर का मतलब क्या होता है, प्लस, भूमि से ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस। तो हम लोग इसको लिखेंगे प्लस साइन से, यहां इसको दिखाएंगे हम लोग, सिर्फ लिखा है प्रयुक्त संख्याओं को उचित चिन्ह प्लस या माइनस लगाकर। तो प्लस और कितना लिखा है, 2500 मीटर, हम लोग इसको लिख दिए, ये मेरा आंसर, प्लस 2500 मीटर आंसर। इसको ऐसे करते हैं, 2500 मीटर प्लस 2500 मीटर। एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई में, समुद्र तल से गहराई का मतलब नीचे, मतलब माइनस। तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस, इसका आंसर हो गया माइनस 800 मीटर, ठीक है, माइनस 800 मीटर। 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर का तापमान, तो 0 डिग्री से ऊपर चलेंगे तो प्लस, नीचे चलेंगे तो माइनस। तो ऊपर चल रहे हैं तो प्लस लिखेंगे हम लोग, प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। बैंक खाते में 100 रुपया जमा, जमा मतलब प्लस और निकासी मतलब माइनस। तो हम लोग इसको लिखेंगे प्लस 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया। फिर है 100 रुपया की हानि, इसको क्या लिखाएंगे हम लोग, माइनस 100 रुपया हो गया। हानि में माइनस, जमा में प्लस, ऊपर का तापमान मतलब 10 डिग्री सेल्सियस, ये नीचे चल रहा है गहराई में चल रहा है मतलब माइनस 800 मीटर, और ये ऊंचाई पर उड़ रहा है मतलब प्लस 2500 मीटर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो पहले हम लोग एक संख्या रेखा पहले खींच लेंगे हम लोग, ऐसे कर लेते हैं, यहां हम लोग 0 मान लेंगे और इधर चलेंगे हम लोग,
एक दो तीन चार पांच छह सात और एक आठ, ये मेरा हो गया प्लस आठ। इसके बाद का था बी माइनस छह, यहां हम लोग जीरो कर लेंगे, इधर चलेंगे एक दो तीन चार पांच छह, यहां पे है माइनस छह हो गया। फिर है माइनस टू, तो माइनस टू में जीरो यहां रहेगा, एक और एक दो, ये हो गया मेरा माइनस टू, ये माइनस टू, ये हो गया मेरा माइनस छह, और इधर चले जाएंगे तो प्लस छह हो जाएगा इधर, अरे प्लस आठ हो जाएगा। इसके बाद है डी प्लस सेवन, तो सेम चीज ऐसे ही करके आप लोग इसको कर लीजिएगा, ये इधर चल रहे हैं जीरो से इधर चल रहे हैं तो ये प्लस आठ, इधर चलेंगे जीरो से तो माइनस छह, इधर चलेंगे माइनस टू, मतलब बाईं ओर चल रहे हैं हम लोग, इसको ध्यान रखेंगे ये जीरो है, ठीक है। बाकी डी और ई आप अपने से खुद कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पांच पे चलते हैं। पांच कहता है नीचे दिए हुए पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। जैसे हम लोग पहले पहला वाला को देखते हैं, तो हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहला काम हम लोग पहले नंबर लाइन पर लिख देते हैं, नंबर लाइन पहले बनाते हैं तो हम लोग को थोड़ा आसानी हो जाएगा। ये लिखते हैं यहां पर जीरो और माइनस सात है, मतलब इधर चलेंगे माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच माइनस छह माइनस सात। अब हम लोग देख बोलता है जीरो और माइनस सात के बीच का संख्या, तो बीच का संख्या कौन वाला हो गया, देखिए यहां से लेकर के यहां तक का हम लोग इसको लिखेंगे। वो बोला है बढ़ते क्रम में लिखने को, तो बढ़ते क्रम का मतलब है इधर से माने बाईं ओर से दाईं ओर चलेंगे हम लोग, तो बढ़ते क्रम में होगा, तो हम लोग इसको आंसर लिखेंगे माइनस छह माइनस पांच माइनस चार माइनस तीन माइनस दो माइनस एक हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। जीरो और माइनस सात के बीच में यही नंबर आएगा और ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। इसी तरीका से आप हम एक और क्वेश्चन कर देते हैं और उसके बाद बाकी क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा। तो यहां हम लोग क्वेश्चन नंबर डी ले लिए हैं, बी और सी आप खुद कर लीजिएगा। तो माइनस आठ और माइनस पंद्रह के बीच का है, तो यहां हम लोग देखिए लिखे हैं जीरो, यहां पर है माइनस आठ और माइनस पंद्रह है यहां पर, ये दोनों के बीच का जो नंबर है इसी को लेंगे, तो ये यहां से लेकर के यहां तक का नंबर होगा, ठीक है। मतलब हम लोग यदि इसको ऐसे लिख दें, देखिए बोलता है बढ़ते क्रम में लिखने को, तो इधर से चलेंगे हम लोग माइनस चौदह माइनस तेरह माइनस बारह माइनस ग्यारह माइनस दस माइनस नौ माइनस आठ, तो हम लोग से बोला है माइनस आठ तक का ही, तो माइनस नौ तक लिखेंगे, माइनस चौदह माइनस तेरह माइनस बारह माइनस ग्यारह माइनस दस माइनस नौ, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर छह है निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। ये दो संख्या है, ये एक युग्म है, ये दो संख्या है, दूसरा युग्म है, तीसरा युग्म है, चौथा युग्म है, पांचवा युग्म है, छठा युग्म है। कहता है कि ये दोनों युग्म में से कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित होगा। तो हम लोग को पता है संख्या रेखा पर जैसे जैसे दाईं ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे संख्या रेखा पर जैसे जैसे दाईं ओर बढ़ेंगे संख्या बड़ी होती जाएगी। तो ये दोनों में हम लोग देखेंगे दो और आठ में कौन बड़ी संख्या है, आठ बड़ी है या दो बड़ी है। दो मेरा यहां पर है और आठ मेरा यहां पर है, इधर देखेंगे ये दोनों अंक में दो और आठ जो पूर्णांक दिया हुआ है इस पूर्णांक में कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है, तो आठ, तो हम लोग इसका आंसर लिख देंगे आठ, क्लियर है। ये दोनों में, ये बाकी नहीं देखेंगे तीन चार पांच छह सात को नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे दो और आठ में, तो दो यहां है और दो के आगे दाहिनी तरफ आगे बढ़ने पर आठ है, तो यहां पर यहां जो दोनों में हम लोग चुनेंगे दो और आठ में कौन सी संख्या दाईं ओर स्थित है, तो आठ। माइनस तीन और माइनस आठ में देखेंगे तो माइनस तीन यहां है और माइनस आठ यहां है, तो दाहिनी ओर ये दोनों नंबर में
ये दोनों नंबर में देखेंगे संख्या रेखा पे दाहिनी ओर कौन स्थित है, तो -3। तो हम लोग ये हो गया मेरा ए के लिए आंसर 8, बी के लिए हो गया -3, सी को देखेंगे ये दोनों नंबर में 0 और -1 में कौन दाहिनी ओर स्थित है। तो यहां -1 है, यहां 0 है, तो -1 के दाहिनी ओर कौन सा अंक है, 0। तो ये 0 जो की है वो दाहिनी ओर हो गया। डी में देखेंगे 0 और -5, तो 0 यहां है, -5 यहां है, तो -5 के ये दोनों अंक में कौन सा है दाहिनी ओर स्थित, 0। इसके बाद हम लोग देखते हैं ई, -6 और 6 में देखिएगा, -6 यहां है और 6 है यहां पर, तो ये दोनों अंक में कौन दाहिनी ओर स्थित है, तो +6। उसी तरीका से एफ में चलते हैं -15 और 12 में, -15 यहां पर है और संख्या रेखा के दाहिनी ओर है 12, तो ये दोनों अंक में दाहिनी ओर कौन स्थित है -15 और 12 में, तो 12। इस तरह से यहां पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, और तो तब तक हम लोग इसको यहीं पर रोकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।